गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ टर्म्स हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जो सिंपल लाइट से जो कन्वर्ट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, उसके तल को रोटेट कर दे, तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव, एक्टिव कंपाउंड्स मींस कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जो सिंपल लाइट होती है, सिंपल लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये वेव्स सभी दिशाओं में अपने तल के लंबवत कंपन करती है। ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन प्लेन वाइब्रेट होगी। मींस इसको हम जो सिंपल लाइट है वो इसको ये कहते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि सभी दिशाओं में यह है प्लेन सिंपल लाइट। इस सिंपल लाइट को यदि हम किसी पोलराइजर से बुझाते हैं, जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, निकल प्रिज्म, ये होता है पोलराइजर। इस सिंपल लाइट को निकल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो हमको प्राप्त होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस लाइट के तल को रोटेट करते, मींस यदि कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है और इसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी एंगल से ही रोटेट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। यदि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको डेक्सिटोट्रोट्री कहेंगे, इसको लेवलट्रोट्री कहेंगे। यानी सिंपल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके तल को यदि रोटेट कर देते हैं कोई भी कंपाउंड का सॉल्यूशन, तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी ऐसे सारे कंपाउंड्स जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, मींस राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड उसको अपने तल से रोटेट कर देते हैं, तो उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। यदि ये जो रोटेशन है राइट हैंड साइड होगा, यदि रोटेशन दाईं तरफ होगा तो उनको कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और यदि रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड होगा तो उसको कहेंगे लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी। दाईं तरफ दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी,
दिस इज कॉल्ड लेवोरोटेनॉल। This represented by the small d and it also represented by the small l. अब बात आती है कि ये कौन से कंपाउंड होते हैं जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को रोटेट करते हैं और जो जिस एंगल से रोटेट करते हैं उसको हम एंगल ऑफ रोटेशन घूर्णन का घूर्णन कोण या कहते हैं। मीन्स देखिए दाएं तरफ या एक तो होता है डेस्क रोटेटरी, एक दूसरा होता है लेवो रोटेटरी। डेस्क रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, डेस्क रोटेटरी में जो रोटेशन होगा वो दाईं तरफ राइट साइड और यूं कहता हूं क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक। लेबोरेटरी में जो रोटेशन होता है वो लेफ्ट साइड होगा और एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। एक आता है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाएंगे। मींस यदि इसका सॉल्यूशन आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा और यहां से आपका सॉल्यूशन होगा ये कंपाउंड है तो देर इज नो रोटेशन, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। मीन्स समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल में कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई रोटेशन नहीं है। इट मीन्स द कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है, जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। एक होता है रेसिपी मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ये मिक्सचर इस प्रकार का मिक्सचर है कि सेम अमाउंट ऑफ लेबोरेटरी एंड सेम अमाउंट ऑफ डेस्क रोटेटरी, यानी कि दो प्रकार के कंपाउंड अपने पास, वाम घूर्णक और दक्षिणावर्त घूर्णन वाले कंपाउंड्स की सेम अमाउंट को मिला करके यदि कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास करवाते हैं तो हमारे पास रोटेशन होगा वो होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव या देयर इज नो रोटेशन, यानी जो एंगल होगा वो जीरो होगा। रेसेमिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो लेबोरेटरी और डेक्सोरेटरी के सिमिलर अमाउंट को मिक्स करके प्राप्त करते हैं। इसमें मिसो कंपाउंड्स हैं, दिस इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। और इसमें होता क्या है कि जो मिसो कंपाउंड्स हैं या रेसेमिक जो मिक्सचर होता है इसमें डेक्सोरेटरी और लेबोरेटरी एक दाईं तरफ रोटेट कराएगा, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कराएगा, तो दोनों का बैलेंस हो जाता है। अब जिस एंगल से ये रोटेट करते हैं उसको हम घूर्णन एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि कंपाउंड की नेचर पर, भाई जो एंगल थीटा है जिससे रोटेट करवाते हैं वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस। मींस नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि जिस कंपाउंड को हम लेते हैं अलग अलग कंपाउंड का घूर्णन एंगल अलग अलग आता है। सेकंड है आपको कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग आएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब, जिस सैंपल ट्यूब में हम लेते हैं उस पर भी ये डिपेंड करेगा। एक होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा कि हमने
जो कंपाउंड लिया है वो किस सॉल्वेंट ने उसका सॉल्यूशन तैयार किया है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है और ऑप्टिकल जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स होंगे जो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराते हैं, यानी कि एक लेवोरोटेड होगा, एक डेक्सरोटेड होगा, और इन दोनों में जो आइसोमेरिज्म होगी वो होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे बट वो एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होंगे। लेबोरेटरी और डेक्सरोटरी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होते हैं, यानी ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, बशर्ते कि वो ऑप्टिकल एक्टिव हो, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी हम एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे हैं, तो इसको यदि हम थ्योरेटिकल बात करते हैं, जो कहें कि इसको हम जो ये ऐसा देखा गया है कि जो कंपाउंड्स या जिन कंपाउंड्स में कोई किरण सेंटर होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं किरण सेंटर वाले कंपाउंड्स। देखिए किरण सेंटर क्या चीज है, ऐसा देखा गया है कि कंपाउंड्स हैविंग किरण सेंटर, ए बी सी डी, दिस इज द किरण सेंटर और दिस इज किरण सेंटर, और ये शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ये शो करेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका रीजन क्या है, किसी कंपाउंड्स में ये किरण सेंटर जो होता है वो रीजन होता है आपका ऑप्टिकल एक्टिव, किरण सेंटर वो सेंटर है, उस सेंटर को कहेंगे जिस पर चारों जो वैलेंसी है या डिफरेंट एटम्स हैं फुलफिल होती हो, यानी कि सपोज करो ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है या मेथिल जुड़ा हुआ है और यहाँ सपोज करो एथिल जुड़ा हुआ है, दीज फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड किरण कार्बन, this is किरण कार्बन और it shows optical activity and optical isomerism। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि किरण एक्टिविटी या किरण कार्बन के लिए सिमेट्री एलिमेंट्स को हम रीड करेंगे। थैंक यू।